हे गाइस, मुझे ऐसा लगता है आई एम लिटिल लेट टू दिस पार्टी बट फाइनली आई एम हियर। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बारबेक्यू नेशन का बारबेक्यू इन अ बॉक्स। यार सीन कुछ ऐसा है, अ वाइल अगो बारबेक्यू नेशन ने रिलीज किए हैं अपने 5 मील बॉक्सेस जिसमें कि ये है बारबेक्यू इन अ बॉक्स। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉक्स आउट ऑफ ऑल एंड इसके अंदर सबसे ज्यादा वेराइटीज है खाने की। वेल यार, मैंने ऑर्डर किया है नॉन वेजिटेरियन वर्जन। वेल मेरे वेज सब्सक्राइबर्स, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बॉक्स के अंदर भी वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। दे हैव इंक्लूडेड 6 वेराइटीज ऑफ एपिटाइजर्स, 3 मेन कोर्सेज, 1 बिरयानी एंड 3 स्वीट डिश एंड ओनली 2 ब्रेड्स। वेल, खाने पे तो हम बाद में आएंगे, अभी इस बॉक्स का ये हिसाब किताब है एंड दिस कॉस्ट मी ₹950 इंक्लूडिंग टैक्सेस। वेल गाइस, फॉर ऑल दोज हु डोंट नो बारबेक्यू नेशन, यार बारबेक्यू नेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लिटरली आपकी टेबल पे वो लोग लाइव बारबेक्यू रख देते हैं एंड यार उस लाइव बारबेक्यू पे वो लोग सेमी कुक्ड स्नैक्स सर्व करते रहते हैं, तो आप वहां पे बैठ के बारबेक्यू की फील भी ले सकते हो और यार वहां का खाना बहुत बहुत अमेजिंग होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव बीन टू बारबेक्यू नेशन अ लॉट बट शायद लास्ट टाइम मैं 2 या 3 साल पहले वहां पे गया था और आज के बॉक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार वो वाला टेस्ट मुझे आज भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। ओए होए यार, इन्होंने ना मतलब डब्बा खुलते ही सबसे पहले स्वीट डिश सर्व कर दिया है। फर्स्ट डब्बे के अंदर हैं भाई साहब छोटे वाले गुलाब जामुन और यार ये डब्बे सारे खुले हुए आए हैं, दिस इज सो नॉट कूल। ओके, मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि बाद में खाने वाला हूँ मैं इसे। दूसरे डब्बे के अंदर है ब्राउनीज एंड तीसरे डब्बे के अंदर है मूंग दाल का हलवा और ये मुझे मेयो लग रही है, दिस हैज टू बी मिंट चटनी। यार किसी तरह बस मैंने अपने आप को रोका हुआ है स्वीट डिश को खाने के लिए। ओके भाई साहब, इसके अंदर बहुत सारे डब्बे हैं, लेट्स ओपन देम वन बाय वन। यार इसके अंदर करी लग रही है तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये मैं बाद में खोल के आपको दिखाऊंगा। मेन कोर्स यार बाद में ट्राई करने वाले हैं, इसके अंदर भी कुछ मेन कोर्स ही नजर आ रहा है। दिस इज बटर नान, यार वैसे 2 नान दिए इन्होंने, मतलब 3 इन्होंने मुझे मेन को सर्व करे हैं और साथ में बस 2 नान, ये क्या बात हुई। अच्छा यार, एपिटाइजर्स मेरे को 6 सर्व होने चाहिए थे बट यहाँ पे मुझे 3 डब्बे ही नजर आ रहे हैं और एक ये डब्बा है शायद बिरयानी का। ओ ये, दिस इज चिकन दम बिरयानी। गाइस चेक दिस आउट, दीज आर प्रॉन्स और साथ में है अचारी मच्छी। तो यार इन्होंने फिर वही कंजूसी करी है, सब कुछ इकट्ठा ही पैक कर दिया है। वैसे मुझे प्राइमर फेसा इनकी पैकिंग बहुत अच्छी लग रही थी पर ये जो इन्होंने किया है ना, मच्छी को प्रॉन्स के साथ मिला दिया, दिस इज सो नॉट कूल। इसके अंदर इन्होंने पेरी पेरी चिकन टिक्का दिया है और चिकन विंग्स दिए हैं, ये भी इन्होंने साथ में पैक कर दिया है। भाई ऐसा क्यों करते हो यार। तो यार इन्होंने ये क्रिस्पी पोटैटो कॉर्न पैटी दिया है एंड दिस इज पाइनएप्पल। वैसे तो यार इन्होंने जब मैं ऑर्डर कर रहा था तब बोला था कि ये मुझे 6 पीसेस देंगे बट मुझे तो यार 4 ही नजर आ रहे हैं, 2 पीस का इन्होंने स्कैम कर दिया मेरे साथ। वाओ, बिफोर आई जंप इनटू द स्टार्टर्स आई हैव अ लिटिल कन्फेशन टू मेक। यार मैं बारबेक्यू नेशन बहुत बार गया हूँ बट आज तक मैंने उनका मेन कोर्स ट्राई नहीं किया है। आई मीन यार मेन कोर्स कौन खाता है बारबेक्यू नेशन जाके, सारा पेट तो यार एपिटाइजर से ही भर जाता है। एंड यार ऑनेस्टली जो फील वहाँ पे आती है ना खाने की वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आई मीन नॉट इवन 10%। ऐसा लग रहा है यार बस खाना मेरे सामने है, नॉर्मली जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ किसी भी आउटलेट से वैसे आ गया है। बट एनीवे, आई एम गोना डिग इनटू माय फूड नाउ। ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ अ मेयो, दिस इज अचारी फिश टिक्का। ओ गाइज, चीज़ें ठंडी हो गई हैं बट स्वाद तो बहुत अच्छा आ रहा है यार, इट्स एक्चुअली लाइक अ पार्टी ऑफ फ्लेवर इनसाइड माय माउथ। टाइम फॉर सम प्रॉन्स, यार इन्होंने छोटे वाले प्रॉन्स यूज किए हैं। ऑनेस्टली यार प्रॉन को
इन्होंने अच्छे से मसाले के अंदर मैरिनेट करके बनाया है। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा है यार। इनफैक्ट मैं महीनों बाद प्रॉन्स खा रहा हूँ और ऑनेस्टली मुझे मज़ा आ गया। बस काश ये गर्म होते और थोड़े फ्रेश होते। बाय द वे यार, ये है पेरी पेरी चिकन टिक्का और यार क्वांटिटी बहुत कम है इनकी। ये देखो, ओ वाओ, द चिकन इज वेरी वेरी सॉफ्ट। और यार इन्होंने एक चीज का ख्याल रखा है कि इन्होंने पेरी पेरी मसाला से चिकन को ओवरडू नहीं किया है। अब यार मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी कम दी है। यार इन्हें क्वांटिटी ज्यादा देनी चाहिए थी। इनफैक्ट सीन को जैसा है, मतलब यार मैं तो ऐसी भी डील करने के लिए रेडी हूँ कि भाई मेन कोर्स ले जाओ वापस और इसकी क्वांटिटी मुझे और थोड़ी ज़्यादा दे दो, क्योंकि बारबेक्यू नेशन जाके यार सिर्फ मैं एपेटाइजर्स ही खाता हूँ, वो बुफे वाले सेक्शन तक तो मैं शायद ही कभी गया हूँ। स्वीट चिली चिकन विंग्स यार, ऑनेस्टली बताऊँ मुझे चिकन विंग्स में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, कोई खास फ्लेवर आ नहीं रहा इसके अंदर से मुझे। आई एम टू अमेज्ड विद द फिश, विद प्रॉन्स एंड विद द पेरी पेरी चिकन टिक्का। और भाई एक पीस और खाऊंगा मैं चिकन टिक्का के, फिर वेज एपेटाइजर्स पे चलते हैं। दीज आर एक्चुअली ग्रिल्ड पाइनएप्पल और वो है क्रिस्पी कॉर्न पोटैटो पैटी, जो कि अब क्रिस्पी रही नहीं, अब ये बहुत सॉगी हो गई है। यार कुछ भी कह लो, स्वाद तो वो आ रहा है बारबेक्यू नेशन का। यार ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल्स मेरी मॉम को बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी पसंद है, बट जब मेरे सामने इतना अच्छा अच्छा चिकन पड़ा हो तो यार मैं पाइनएप्पल क्यों खाऊं, फिर तो मैं चिकन ही खाऊंगा ना। ये था मामला हमारे एपेटाइजर्स का। अगर मुझे इनको रेट करना हो टेस्ट के मामले में तो आई एम गोना रेट इट 8.5/10, डिजर्विंग 8.5/10। स्वाद आ रहा है, मसाले अच्छे हैं, खाना की क्वालिटी भी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने पैक करके दे दिया ना, सब कुछ इकट्ठा डाल के दे दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड अब घर बैठे बैठे तो यार वो बारबेक्यू नेशन वाला मजा तो नहीं आना ना। गाइज अब मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अपनी लाइफ में पहली बार, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। मैं फाइनली बारबेक्यू नेशन का मेन कोर्स टेस्ट करने वाला हूँ। और मेन कोर्स में यार इन्होंने मुझे 3 ग्रेवी आइटम्स दिए हैं, एक दाल है, एक मटन रोगानी है और एक दम का मुर्ग है और एक बिरयानी है। तो आई एम गोना स्टार्ट विद द बिरयानी फर्स्ट। मैंने कभी भी ना ढंग से बिरयानी को रिव्यू नहीं किया, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिरयानी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूं या फिर रिव्यू करूं या फिर कोई चैलेंज करूं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो ये रही भाई इनकी बिरयानी। देखो यार शक्ल से ये नहीं लग रहा कि ये बहुत अच्छी होने वाली है, बट जो अरोमा इसका आ रहा है, होय 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 होय, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। फ्लेवर ज़्यादा शार्प नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि मसाले डाले हैं, इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में मसाले नहीं डाले, विच इज गुड। बट मुझे यार वो कहीं ना कहीं वो मसालेदार, वो सिजलिंग बिरयानी ज़्यादा पसंद है। गाइज ये है भाई बारबेक्यू नेशन का मेन कोर्स, दिस इज दम का मुर्ग। यार एक्चुअली इसके अंदर जो पीस इन्होंने मुझे दिया हुआ है ना, उसका तो यार ऑलरेडी दम निकल गया है, तो बहुत छोटे छोटे इन्होंने मुझे पीसेस दिए हैं और इसके अंदर ज़्यादा कुछ फ्लैश है भी नहीं। और यार इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ऑयल है। दिस इज दाल मखनी। अब भाई ये तो मेरी मम्मी बताएंगी टेस्ट करके इसका फ्लेवर कैसा है। दिस इज मटन रोगानी, मतलब इसके अंदर ना इन्होंने दो तीन पीसेस दिए हैं और थोड़ी सी ग्रेवी दी है और इतना खाना दिया है कि 2 या 3 बंदे इसको खा लेंगे। एंड दिस इज देयर रायता और साथ में इन्होंने दिए हैं मुझे 2 बटर नान। वेल अब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप 3 मान लेते हैं, 3 चीज़ें भिजवा रहे हैं तो यार 2 बटर नान में कैसे खाए जाएंगे, तो एटलीस्ट 4 बटर नान तो भिजवाओ या फिर 5 ब्रेड्स तो भिजवाओ ताकि खाना तो पूरा खा पाए यार। मैं सबसे पहले टेस्ट करने वाला हूं इनका मटन रोगानी। ओके फॉर द फर्स्ट टाइम। और हाँ यार इन्होंने अनियंस नहीं भिजवाए।
द थिंग इज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसके अंदर तो दबा के मसाले होंगे, ऑल्दो यार देखो मसाले इन्होंने डाले हुए हैं, बट द थिंग इज इसके अंदर यार बहुत सारा इन्होंने घी डाला हुआ है, जिसकी वजह से यार ये ग्रेवी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। और भाई साहब नाउ आई एम थिंकिंग यार कि मैंने पहले इनका ये सब क्यों नहीं ट्राई किया, दिस इज वेरी गुड। कमिंग ऑन टू द चिकन, चिकन के अंदर यार इतना ज्यादा इन्होंने ऑयल क्यों डाला हुआ है। बात करूं अगर मैं मटन रोगानी की और इस दम चिकन की, तो ज़्यादा अच्छी ग्रेवी तो यार मटन की है, कहना पड़ेगा मुझे ना। अब इसके बाद इन दोनों के अंदर से सबसे पहले तो मुझे ऑयल या बटर जो भी इन्होंने डाला है वो निकालना पड़ेगा, फिर मैं इनको बाद में इन्जॉय करूँगा। अगर आप लोग भी ये बॉक्स ऑर्डर कर रहे हो तो यार पहले कुकिंग इंस्ट्रक्शन दे देना कि इतना ज़्यादा ऑयल या बटर इसके अंदर ना डाले। Not at all good. अब भाई मेरी फेवरेट मील की बारी है, नाउ इट्स टाइम फॉर डेजर्ट्स। भाई साहब रखो इसे दूर। एक तो सबसे ऊपर इन्होंने डेजर्ट रख के वैसे ही मेरा मन लचा दिया था, मुझे पहले करप्ट कर दिया था इन्होंने, और इतना देर मुझे वेट कराया डेजर्ट्स के लिए। वैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मूंग दाल का हलवा, तो इसको मैं लास्ट में खाऊंगा। गुलाब जामुन 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसेस छोटे वाले गुलाब जामुन के दिए हैं। द चॉकलेट ब्राउनीज जो कि मुझे दिखने से ही थोड़ी सी पुरानी लग रही है। ओ यस, दीज आर नॉट फ्रेश एट ऑल। मूंग दाल का हलवा वाओ, दिस इज सो गुड, दिस इज अमेजिंग। वैसे यार बारबेक्यू नेशन की ब्यूटी ये है कि जब भी आप वहां जाते हैं तो जो भी खाना होता है दैट इज टोटली अनलिमिटेड, बट यहाँ पे वो लिमिट आ जाती है ना, तो वो बारबेक्यू नेशन वाला यार वो स्वाद ही चला गया फिर तो। वेल एनीवे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बारबेक्यू नेशन ज़रूर जाऊंगा और आप लोगों को वहां का रियल जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो दिखाऊंगा, फील आ जाएगी फिर तो। तो मैं जा रहा हूं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और जो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है यार उसको प्लीज़ ज़रूर दबाओ और इस वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट हर जगह शेयर करो इसको। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।